फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हमने पूरा क्वेश्चन बैंक मैथ वन का सॉल्व कर दिया है यहाँ पर अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके उसके प्लेलिस्ट में जाके आप सारा वीडियो देख सकते हैं वहाँ पर हमने चार के चार चैप्टर के पूरे वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं ये लास्ट पार्ट इसका बाकी है जिसको कि आज अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स की आपको मालूम है कि मैथ को अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे नहीं समझेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा तो इसके लिए हमारा रिक्वेस्ट है कि जिस भी वीडियो को आप प्ले करते हैं उसके आप लास्ट तक जाइए क्योंकि लास्ट तक जाएंगे तभी उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री ए कम्प्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी थ्री मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं इसके पहले के हमने पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है यहाँ पर थ्री मार्क्स से हमको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है अ बॉक्स कंटेन फाइव स्ट्रॉबेरी चॉकलेट फाइव कॉफ़ी चॉकलेट्स एंड टू पेपरमिंट चॉकलेट्स इफ़ वन ऑफ द चॉकलेट इज पिक्ड फ्राम द बॉक्स एट रेंडेमली बताया क्या जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए हमको क्या बोल रहा है कि स्ट्रॉबेरी फाइव है कॉफ़ी के सिक्स चॉकलेट्स हैं और टू पेपरमेंट चॉकलेट्स हैं ठीक है यहाँ बता रहा है कि हम जब उसको रेंडमली अगर निकालते हैं तो फाइंड द प्रॉबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट बाई कम्प्लीटिंग द एक्टिविटी हमको क्या दिया है स्टूडेंट यहाँ पर एक्टिविटी दिया है आप देख सकते हैं एक्टिविटी में हमको क्या कंप्लीट करना है कि आप देखिए उसको एक्टिविटी में हमसे पूछा गया है कि इवेंट ए इवेंट ए में क्या दिया है कि इट इज कॉफ़ी चॉकलेट क्या आना चाहिए फर्स्ट इवेंट में हमको दिया है कि कॉफ़ी चॉकलेट आए तो उसकी हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसको बताना है इवेंट टू में दिया है इट इज़ अ पीपरमेंट चॉकलेट दूसरे में हमको क्या बोला है कि इट इज़ अ पेपरमेंट चॉकलेट तो इसकी हमको प्रोबेबिलिटी बताना है ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे थ्री मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो आपको टोटल यहाँ कुछ सिक्स बॉक्स मिलेंगे जिसको आपको कंप्लीट करना है और यहीं से आपका आंसर राइट right हो जाएगा देखिए हमको एक्टिविटी में क्या दिया गया है एक्टिविटी सबसे सिंपल और सबसे आसान क्वेश्चन होता है यहाँ पर हमको क्या दिया है कि सब कुछ दिया रहता है सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर फिल करना रहता है और जितना पूछा जाए बस उतना ही फिल करना रहता है आप अपने मन से उसमें कुछ ऐड करके मत भरिएगा नहीं तो नंबर काट लिया जाता है एक्टिविटी में देखिए हमको दिया है लेट सैंपल स्पेस के बारे में दिया गया है कि एस इज़ द सैंपल स्पेस यहाँ पर एस yes, क्या है सैंपल स्पेस है तो एन एस कितना हो जाएगा हमारे जो सैंपल स्पेस बनेंगे देखिए फाइव तो हमारे पास स्ट्रॉबेरी है आप देख सकते हैं सिक्स कितना है कॉफ़ी चॉकलेट्स है और टू हमारे पास पेपर मिंट है ठीक है तो फाइव प्लस सिक्स प्लस टू कितना हो जाएगा थर्टीन हो जाएगा इवेंट ए में हमको क्या दिया है इट इज़ अ कॉफी चॉकलेट कॉफ़ी चॉकलेट की हमको प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही तो एन ए कितना हो जाएगा कॉफ़ी चॉकलेट आप देख रहे होंगे तो टोटल सिक्स दिया हुआ है तो यहाँ एन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर आपको फिल करना है सिक्स ठीक है यहाँ पर क्या फिल करना है सिक्स करना है पी ए इक्वल टू क्या होता है यहाँ देखिए आ जाएगा आपका एन और ब्रैकेट में ए आ जाएगा और अपान में एन एस होता है ये क्या है फार्मूला है इसका ठीक है और इसी फार्मूला से आपका आंसर निकलता है पी ए इक्वल टू चाहिए हमको तो एन ए क्या रखना होगा यहाँ पर आपको इस बॉक्स में देखिए सिक्स रखना होगा सिक्स अपान थर्टीन तो आपकी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या आ गई स्टूडेंट सिक्स अपॉन थर्टीन जो कि क्वेश्चन नंबर वन का हमारा आंसर हो गया देखिए कितना सिंपल है आपको कुछ नहीं करना है देखिए ब्लैक में पेपर दिया हुआ है रेड कलर से मैं फिल कर देता हूं तो आपको यहां पर भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा हम चलते हैं एक्टिविटी इसका जो सेकेंड पार्ट दिया है इवेंट बी इट इज़ अ पीपर मेंट चॉकलेट आगे हमको क्या बोल रहा है इट इज़ अ पेपर मेंट चॉकलेट तो एन क्या हो जाएगा यहाँ यहाँ एन ए था यहाँ एन बी पेपर मेंट कितना है स्टूडेंट देखेंगे तो टू की प्रोबेबिलिटी है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टू और यहाँ पर क्या आ जाएगा पी बी तो यहाँ अपान में एन एस दिया है यहाँ आ जाएगा आपका एन और बी आ जाएगा ठीक है एन बी अपान एन एस फार्मूला है अब यहाँ पर आप रख दीजिए क्या रखेंगे टू तो आपका आंसर कितना आ गया टू अपान थर्टीन टू अपान थर्टीन और यही आपका आंसर हो गया देखिए वन टू थ्री वन टू थ्री 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 बॉक्स टोटल सिक्स बॉक्स थे अगर इसको आपने कंप्लीट कर दिया तो आपके तीन नंबर्स पक्का हो गए चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी का हमको क्या पार्ट दिया है यहां पर आप देख सकते हैं इसको हमको दिया है देखिए मैं स्क्रीन थोड़ा सा छोटा कर देता हूं आपको दिखाई दे प्रॉपर इफ टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हमको क्या बोला टू डाइस के बारे में दिया गया है रोल करते हैं तो उसकी हमको प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टू डाइस के बारे में दिया हुआ है स्टूडेंट तो आप ध्यान से देखेंगे इसको तो कितना आएगा आपका टोटल डाइस अगर हम साइमल्टेनियसली फेंकते हैं तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आती है टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी आती है थर्टी सिक्स की ठीक है टोटल प्रोबेबिलिटी थर्टी सिक्स आती है तो आप देख सकते हैं कि थर्टी सिक्स का आपको मालूम है कि पहला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे आपने बनाया है आपके बुक में भी दिया है कि थर्टी सिक्स पॉसिबिलिटी कैसे होती है तो आप पहले क्या कीजिए कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नंबर लिख दीजिए ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ आप देख लीजिए ना इस साइड में आप लिखेंगे कैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 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 अब क्या कीजिए सबके साथ आप वन वन लगा दीजिए वन 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 अब यहाँ पर आप लगा दीजिए टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका क्या आएगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स 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 ठीक है तो इस तरह से आपका देखिए टोटल थर्टी सिक्स हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ठीक है नाइनटीन देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया है नाइनटीन आपका टोटल काउंट करेंगे तो थर्टी सिक्स ए पेयर बनेगा ठीक है इसको टू थोड़ा सा इस साइड हो गया है तो आपको टू यहाँ पर भी लगाना है ना ठीक है वन टू और इसके साथ में भी टू थ्री फोर फाइव और सिक्स लगेगा ठीक है तो इस तरह से आपका देखेंगे तो सिक्स सिक्स का पेयर कंप्लीट हो गया और टोटल थर्टी सिक्स आपका डाइस का यहाँ पर काउंटिंग आएगा आगे हमको क्या पूछ रहा है इवेंट ए द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस एटलीस्ट टेन आना चाहिए देखिए एटलीस्ट टेन आना चाहिए तो टेन कहाँ से आएगा आपका थ्री नाइन को ऐड करेंगे थ्री और सिक्स तो नाइन हो रहा है फोर फोर आपका फाइव हो रहा है अगर फाइव थ्री को भी ऐड कर रहे हैं तो हमारा एट आ रहा है फाइव प्लस फोर को ऐड कर रहे हैं तब भी हमारा कितना नाइन आ रहा है यहाँ पर आप देखेंगे तो फोर प्लस सिक्स आपका कितना टेन आ रहा है तो ये हो जाएगा फोर प्लस सिक्स फाइव प्लस फाइव फाइव सिक्स और सिक्स 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 फाइव सिक्स फोर टोटल आपको कितनी पॉसिबिलिटी यहाँ पर मिलेगी सिक्स मिलेगी यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटी कितनी मिलेगी स्टूडेंट सिक्स मिलेगी जो कि जिनका टोटल हमको कितना आना चाहिए टेन से ज़्यादा बोला जा रहा है तो टेन अपान थर्टी सिक्स कीजिए वन अपान सिक्स अपान सिक्स हुआ और सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स तो हमको आंसर क्या मिलेगा फर्स्ट इवेंट का मिल जाएगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो हमारा एन ए कितना आएगा एन ए इक्वल टू सिक्स आएगा एस एन आपका एन एस आया है कितना थर्टी सिक्स है तो आपका पी पी ए कितना होगा ठीक है पी ए पूछा जा रहा है तो पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट पी ए इक्वल टू होगा एन ए और अपान में क्या होगा एन एस होगा ठीक है तो इस तरह से आपका पी ए इक्वल टू हो जाएगा सिक्स अपान थर्टी सिक्स ठीक है तो वन अपान सिक्स आ जाएगा इस तरह से इसको कंप्लीट करना था आगे बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज थर्टी सिक्स देखिए अगर आप बी इवेंट में जाएंगे तो बी इवेंट क्या आएगा यहाँ पर तो आपका जो प्रोबेबिलिटी आएगा एन बी आएगा ये ज़ीरो आएगा क्यों आएगा क्योंकि आप टोटल थर्टी सिक्स नंबर में आप सब नंबर को ऐड करके देखेंगे तो किसी का भी टोटल आपका थर्टी थ्री आएगा ही नहीं ठीक है और हमारा एन एस कितना है एन एस तो हमारा थर्टी सिक्स है तो जीरो अपान थर्टी सिक्स करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा जीरो मिलेगा इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थ्री का ए और बी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आगे हमको देखिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया है क्वेश्चन नंबर टू में देखेंगे तो इफ़ थ्री क्वाइंस आर टॉस्ट सैमिल यहाँ हमको बता रहा है कि तीन क्वाइन को हम एक साथ टॉस कर रहे हैं ठीक है साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कि अब देखिए हम तीन क्वाइन को जब फेंकेंगे तब हमारा यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या आएगी उसको कैसे लिखते हैं अब देखिए आप क्या करेंगे उसके लिए आप फोर टाइम एच एच लिख दीजिए ठीक है एच फोर टाइम लिखिए फिर टी को आप फोर टाइम लिख दीजिए ठीक एट हो गया फिर आप टू टाइम एच लिखिए और टू टाइम टी लिखिए टू टाइम एच लिखिए टू टाइम टी लिखिए अब थर्ड रैंक में आपको क्या करना है थर्ड टाइम में आप एच टी एच टी एच टी एच टी ठीक है ये टोटल आपकी क्या हो गई प्रोबेबिलिटी हो गई ठीक है ये आपका एन एस बना ये क्या है आपका एन एस हो गया ठीक है तो एन एस कितना हो गया स्टूडेंट टोटल एट हो गया ठीक है आगे हमको क्या दे रहा है गेट नो हेड हेड नहीं चाहिए आप देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन तक तो आपको क्या मिल रहा है देखिए यहाँ पर टी होगा टी टी ठीक है यहाँ टी आएगा अब हम सेवन तक देखेंगे तो हर जगह में एच मिल रहा है लेकिन जो आठवां वाला है यहाँ टी 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 मिल रहा है ठीक है तो हमारा एक ही इवेंट बन रहा है कि नो हेड्स यहाँ पर कोई भी हेड्स ना आए तो हमारा एन एन ए क्या बन रहा है स्टूडेंट वन और अपान में हमारा एन एस कितना है एन एस हमारा है एट तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई वन अपान एट हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई वन अपान एट हो गई आप देख सकते हैं सेकेंड में हमको दिया है गेट ऐट लीस्ट टू हेड एट लीस्ट कितना हेड आना चाहिए हमको टू आना चाहिए कम से कम उससे ज़्यादा आ सकते हैं कम नहीं होना चाहिए एट लीस्ट टू हेड चाहिए तो हमारा एन बी क्या होगा एन बी होगा हमारा टू हेड चाहिए तो देखिए यहाँ थ्री हेड है यहाँ टू है यहाँ भी टू है सॉरी <coughs> यहाँ पर भी टू है चार हुआ चार ठीक है तो यहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही फोर अपान एट फोर अपान एट फोर वन जा फोर और फोर टू जाट होगा हमारा आंसर क्या मिल जाएगा वन अपान टू मिल जाएगा ठीक है तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर टू भी कंप्लीट हो गया आगे देखिए दिया इफ वन क्वाइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग देखिए क्या बोल रहा है हमको वन डाई तो वन डाई में क्या आ सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आएगा ठीक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आएगा आगे क्या बोल रहा है आगे बोल रहा है कि टू टाइम्स फेंका ये वन क्वाइन एंड वन डाई है ठीक है तो यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और इसके साथ में हम एक क्वाइन फेंक रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ एच 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 एच, एच एच और यहाँ भी एच और यहाँ क्या हो सकता है टी 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 एंड टी मतलब सिक्स टाइम तो क्या पॉसिबिलिटी है एच की पॉसिबिलिटी है डाइस के साथ में और सिक्स टाइम क्या है टेल्स की पॉसिबिलिटी है टोटल हमारी पॉसिबिलिटी कितनी है यहाँ पर तो हमारा एन एस आ जाएगा कितना आएगा स्टूडेंट ट्वेल्व आएगा ठीक है एन एस हमारा ट्वेल्व आ गया आगे हम देखते हैं आगे हमको क्या दिया है इसमें कि आप ध्यान से देखेंगे तो हमको दिया है कि इवेंट इवेंट में क्या दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है इवेंट में हमको दिया है कि इवेंट ए टू गेट अ टेल एंड एन इवेंट नंबर टेल चाहिए और क्या चाहिए इवेंट नंबर चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया है टेल चाहिए है ना टेल बोला जा रहा है और इवेंट नंबर तो एक आ रहा है यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ टोटल कितना आ रहा है थ्री थ्री आ रहा है ना थ्री टेल तो हमारा इवेंट क्या बनेगा यहाँ एन ए बन जाएगा इक्वल टू एन ए इक्वल टू, टू थ्री हमसे क्या पूछा जा रहा है पी ए हमको निकालना क्या है पी ए इक्वल टू हो जाएगा एन ए और अपान में एन एस ठीक पी ए इक्वल टू थ्री और अपान ट्वेल्व थ्री अपान ट्वेल्व तो कितना हो जाएगा वन अपान फोर वन अपान फोर पॉसिबिलिटी आएगी किसकी टेल और इवन नंबर की आगे हमको क्या दिया है टू गेट हेड एंड ऑड नंबर हेड चाहिए और ऑड नंबर चाहिए तो ऑड नंबर में क्या हो सकता है वन थ्री फाइव ठीक है तो यहां पर भी हमको टोटल पॉसिबिलिटी इसमें भी क्या मिलेगी थ्री अपान ट्वेल्व इक्वल टू वन अपान फोर तो हमारा इवेंट ए और इवेंट बी इवेंट बी में भी हमको वन अपान फोर दिया है प्रोबेबिलिटी और इवेंट ए में भी हमको कितनी मिलेगी वन अपान फोर प्रोबेबिलिटी मिलेगी ठीक है इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फोर थ्री कंप्लीट हो गया आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर दिया अ बलून अ बलून वेंडर है टू रेड थ्री ब्लू एंड फोर ग्रीन बलून

एन की पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पर कितनी होगी रेड बलून होना चाहिए तो रेड बलून कितना हो सकता है टू है तो हमारा आर वन आर टू मतलब टू प्रोबेबिलिटी है तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट पी ए इक्वल टू एन ए और अपान एन एस हो जाएगा एन ए अपान एन एस हो जाएगा अब रख दीजिए यहाँ टू अपान नाइन ठीक है तो पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ नाइन टू अपान नाइन प्रोबेबिलिटी आ गई ब्लू बलून के बारे में पूछ रहा है तो एन बी कर दीजिए एन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ब्लू बलून इनके पास थ्री है तो थ्री अपान नाइन तो वन अपान थ्री यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी वन अपान थ्री प्रोबेबिलिटी इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाएगा बहुत सिंपल दिया है कुछ इसमें हार्ड दिया ही नहीं है ठीक है तो आपके ये भी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर फोर पर चलते हैं What इज द probability दैट देखिए हमको क्या दिया है अगर फोर में चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर में तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फोर में हमको क्या दिया है व्हाट इज द probability दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज फिफ्टी थ्री सन्डे कोई ऑर्डिनरी ईयर है ऑर्डिनरी ईयर किसको बोलेंगे स्टूडेंट ऑर्डिनरी ईयर का मतलब हो गया है कि जिसमें थ्री सिक्सटी फाइव डेज आता है इसको हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी बोलते हैं बोल रहा है फिफ्टी थ्री सन्डे ठीक तो फिफ्टी थ्री सन्डे आ रहा है तो हम क्या करें सेवन से डिवाइड कर दें ठीक है सेवन से डिवाइड कर दें ऑर्डिनरी ईयर हैज़ फिफ्टी थ्री संडे तो क्या हो सकता है उसकी हमको प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है देखिए तो इसको सेवन से डिवाइड करेंगे सेवन फाइव जा थर्टी फाइव यहाँ वन बचा और यहाँ फाइव सेवन टू जा फोर्टीन वन बचा अब देखिए वन ये क्या हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है तीन सौ चौंसठ थ्री सिक्सटी फोर डेज का तो हमने निकाल लिया ठीक है अब वन डे क्या हो सकता है पूरा वीक कितने दिन का होता है सेवन डेज का और डेज क्या पढ़ते हैं हमारे पास संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो टोटल तो हमारा एन एस कितना आ रहा है एन एस इक्वल टू सेवन हो जा रहा है अब एन एस में ए पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है हमारा एन ए कितना हो सकता है स्टूडेंट एन ए की बात करें तो हमारा एन ए कितना आएगा संडे एक बार पढ़ सकता है मंडे एक बार तो यहाँ संडे की पॉसिबिलिटी कितनी दिख रही वन टाइम ठीक है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा वन अपान सेवन आ जाएगा यहाँ पर आंसर क्या आएगा प्रोबेबिलिटी क्या आएगी वन अपान सेवन आएगा आगे हमको देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है और एकदम इजीली कंप्लीट हो गया व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर अगर यही लीप ईयर पड़ता तो क्या होता है देखिए जब लीप ईयर पड़ता तब हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होती संडे की देखिए संडे कब कब पड़ सकता था जब यहाँ तब अगर हमारा ये लीप ईयर किसको बोलते हैं लीप ईयर में थ्री सिक्सटी सिक्स डेज होते हैं इसको सेवन से डिवाइड करेंगे तो टू डेज बच जाएगा ठीक है टू डेज बच जाएगा अब ये टू डेज कौन कौन सा हो सकता है ये टू डेज कौन कौन सा हो सकता है आप बताइए देखिए टू डेज में क्या हो सकता है या तो संडे मंडे हो सकता है या तो मंडे ट्यूज़डे हो सकता है या तो ट्यूजडे वेडनेसडे हो सकता है या तो वेडनेसडे थर्सडे और थर्सडे टू फ्राइडे हो सकता है और फ्राइडे टू सैटरडे हो सकता है और सैटरडे टू संडे हो सकता है ठीक है फिर संडे टू मंडे चालू हो जा रहा है तो अब यहाँ देखेंगे तो क्या हो रहा है आपको यहाँ एक संडे पड़ रहा है और यहाँ एक संडे पड़ रहा है बाकी नहीं पड़ रहा है तो संडे की ही बात की जा रही है तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ रही है यहाँ टोटल देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन पॉसिबिलिटी है ठीक है टोटल तो सेवन ही है और अपान में क्या हो जाएगा यहाँ टू टू अपान सेवन हो जाएगा यहाँ टोटल पॉसिबिलिटी क्या आएगी टू अपॉन सेवन की दो संडे या तो मंडे संडे मंडे पढ़ सकता है या तो सटरडे संडे पढ़ सकता है ऐसे ही या तो संडे मंडे पड़ सकता है या मंडे ट्यूजडे पढ़ सकता है अगर मंडे के बारे में पूछा जाता तो तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर टू भी कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन नंबर वन में आया वन अपान सेवन और यही लीप ईयर होगा तो टू अपॉन सेवन पॉसिबिलिटी ऑफ संडे हो जाएगा अब आगे हमको दिया है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में हमको क्या दिया है स्टूडेंट अ बॉक्स कंटेन थर्टी सिक्स कार्ड बॉक्स कंटेन थर्टी सिक्स कार्ड इस पर क्या है थर्टी सिक्स कार्ड दिया हुआ है तो हमारा एन एस क्या आ जाएगा सैम्पल स्पेस थर्टी सिक्स आ जाएगा बियरिंग ओनली वन नंबर फ्राम वन टू थर्टी सिक्स और इस पर जो नंबरिंग किया गया है कैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे एस वन थर्टी सिक्स तक चला गया है ठीक है नंबरिंग हो गया इफ़ वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक कार्ड अगर हम रैंडमली लेते हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कार्ड बीयर्स देखिए क्या बोल रहा है अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर कंप्लीट स्क्वायर नंबर क्या क्या हो सकता है देखिए कंप्लीट स्क्वायर नंबर की बात करें तो फर्स्ट इवेंट फर्स्ट इवेंट में आपको फर्स्ट uh, में क्या आ जाएगा एन ए की बात करें है ना एन ए निकालेंगे तो एन ए इक्वल टू आएगा आपका देखिए एक तो फोर है स्क्वायर किसका टू का होता है फिर थ्री का स्क्वायर नाइन फोर का सिक्सटीन फाइव का ट्वेंटी फाइव और सिक्स का थर्टी सिक्स तो वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव और एक आएगा वन वन किसका है वन भी तो स्क्वायर है वन किसका स्क्वायर है वन देखिए वन का स्क्वायर है वन किसका स्क्वायर है वन वन का स्क्वायर है तो उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे भाई उसको छोड़ेंगे नहीं है ना उसको छोड़ देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा आपका ठीक है तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट की बात की जा रही तो स्क्वायर रूट कंप्लीट वन भी आता है किसका वन का स्क्वायर रूट होता है टू का स्क्वायर रूट स्क्वायर है ठीक है और वन का स्क्वायर भी क्या होता है वन होता है ठीक है वन इंटू वन वन होता है तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी छः आ गई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स अपान थर्टी सिक्स तो वन अपान सिक्स आ जाएगा यहाँ पर आंसर क्या आएगा कंप्लीट स्क्वायर की बात किया जाए तो टोटल वन अपान सिक्स आ जाएगा चलिए अब हम चलते हैं अब प्राइम नंबर क्या होना चाहिए प्राइम नंबर की बात कर रहा है प्राइम नंबर गिन लीजिए प्राइम नंबर में देखिए स्टूडेंट्स दो तो आएगा आपका टू आता है वन नहीं आता है क्योंकि प्राइम का आपको मीनिंग अच्छे से पता है कि प्राइम नंबर हम उसको बोलते हैं जो खुद से डिवाइड हो या वन के टेबल में आए या वन से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं ठीक है तो यहाँ प्राइम नंबर में हमारा एक इवेंट नंबर आ जाता है जिसका नाम है टू टू के बाद क्या आएगा थ्री आएगा फाइव सेवन नाइन नहीं आएगा, आएगा आपका एलेवन आएगा थर्टीन आएगा सेवेंटीन आएगा और क्या आएगा नाइन्टीन आएगा नाइन्टीन के बाद ट्वेंटी थ्री आ जाएगा और क्या आएगा ट्वेंटी थ्री के बाद आ जाएगा आपका ट्वेंटी सेवन भी नहीं आएगा ट्वेंटी नाइन आएगा ट्वेंटी नाइन के बाद थर्टी वन आएगा फिर इसके बाद क्या आएगा इसके बाद आएगा आपका थर्टी वन के बाद थर्टी टू थर्टी थ्री भी नहीं आएगा थर्टी फोर भी नहीं आएगा थर्टी फाइव भी नहीं आएगा थर्टी सिक्स भी नहीं आएगा कितना आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टोटल नंबर कितना आ रहा है एलेवन नंबर आएगा फिर से आप गिन लीजिए चाहिए तो देखिए टू हमारा प्राइम नंबर होता है ये वन से डिवाइड होता है या टू से डिवाइड होता है थ्री भी वन या थ्री से डिवाइड होगा फाइव भी सेवेन एलेवन वन के टेबल में आएगा या एलेवन के टेबल में आएगा सेम थर्टीन सेवनटीन की भी यही हाल है नाइनटीन भी सिर्फ और सिर्फ नाइनटीन से कटेगा या तो वन से कटेगा ट्वेंटी थ्री भी किसी के टेबल में नहीं आता है, वन के टेबल में या खुद के टेबल में आएगा ट्वेंटी थ्री के बाद ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन भी हमारा खुद के टेबल में या वन से आएगा और थर्टी वन भी हमारा खुद से या वन के टेबल में आएगा थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी फाइव भी सेवन फाइव सेवन जा थर्टी फाइव होता है तो तीन पार्ट हो गए और थर्टी सिक्स ऑलरेडी डिविजिबल नंबर है तो टोटल यहाँ पर आ गया एलेवन तो प्राइम नंबर की बात करें तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट थर्ट एलेवन अपान थर्टी सिक्स पॉसिबिलिटी आएगी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी एलेवन अपान थर्टी सिक्स आएगी अब चलिए लास्ट इसका कंप्लीट करते हैं थ्री से डिविजिबल होना चाहिए तो थ्री से तो एक थ्री डिविजिबल होगा थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन थ्री, थर्टी थर्टी थ्री एंड थर्टी सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है स्टूडेंट ट्वेल्व आ रही है तो ट्वेल्व अपान थर्टी सिक्स तो ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व और ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स होता है ठीक है तो वन अपान थ्री यहाँ पर पॉसिबिलिटी आ गई तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थ्री पूरी तरह से कंप्लीट हो गया आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर क्वेश्चन नंबर फाइव में हमको दिया है अ बैग कंटेन फाइव वाइट बॉल एक बैग है उसमें क्या है वाइट बॉल की संख्या कितनी दी गई स्टूडेंट वाइट बॉल फाइव है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वाइट बॉल वाइट बॉल कितना है वाइट बॉल इक्वल टू फाइव है ठीक है एंड सम ब्लू बॉल और वहाँ पर कुछ ब्लू बॉल है कितना हम एक मान लेते हैं ब्लू बॉल को हम एक्स मान लेते हैं ठीक है ब्लू बॉल मान लीजिए एक्स है तो अब हो गए हमारे पास दो टाइप के बॉल हो गए एक तो हो गया वाइट और दूसरा हो गया ब्लू अब टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी एन एस कितना होगा यहाँ पर एन एस इक्वल टू आएगा आपका फाइव प्लस एक्स अब देखिए आगे क्या बोला इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल ब्लू बॉल की पॉसिबिलिटी क्या है डबल है ब्लू ब्लू बॉल की पॉसिबिलिटी कितनी है डबल है किससे आप वाइट बॉल से ठीक है तो वाइट बॉल की पॉसिबिलिटी कितनी है फाइव अपान फाइव प्लस एक्स और ब्लू बॉल की कितनी हो जाएगी टू फाइव अपान फाइव एक्स फाइव प्लस एक्स हो जाएगा अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाइट बॉल डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज इन द बैग अब उस बैग में कितने बॉल हैं ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है फाइव अगर ये है तो इसका डबल यहाँ पर हो रहा है पॉसिबिलिटी ठीक पॉसिबिलिटी डबल कैसे हो रही है कि इसको फ़ाइव अपान टोटल बॉल की है और इसको हमने क्या किया इसकी पॉसिबिलिटी डबल है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट एक्स की हमको वैल्यू चाहिए तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको देखिए यहाँ क्या होगा 5x एक्स इक्वल टू यहाँ पर जब वैल्यू निकालेंगे आपने तो इसकी वैल्यू डबल बताई जा रही है मतलब बॉल की संख्या क्या हो जाएगी फाइव एक्स फाइव एक्स से डिवाइड हो जाएगा 5 इक्वल टू टेन मतलब देखिए फाइव यहाँ आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है टेन आ रहा है ठीक है जब टेन आ रहा है तो क्या होगी ये काउंट हो गई किसकी हमारे ब्लू बॉल की तो ब्लू बॉल की संख्या कितनी हो जाएगी टेन टेन हो जाएगी तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी यहाँ पर यहाँ पर देखिए फाइव अपान फाइव प्लस टेन फिफ्टीन फाइव अपान फिफ्टीन हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा टेन अपान फिफ्टीन हो जाएगा तो यहाँ टू अपान थ्री पॉसिबिलिटी है और यहाँ वन अपान थ्री है तो वन अपान थ्री का डबल कितना होता है टू अपान थ्री होता है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको कई तरह से निकाल सकते हैं पहले आप चाहिए तो एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए एक्स की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं ठीक है तो कोई बात नहीं है इसको आपको जैसा अच्छा लगे वैसे सॉल्व कर सकते हैं यहां देखते हैं टू में दिया है द बियर यहां पर क्या दिया है फेसेस डाई फेसेस ऑफ अ डाई बीयर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव हमको नंबरिंग दिया हुआ है ठीक है नंबरिंग दिया है तो इससे हमको क्या करना है इससे आपको निकाल लेना है यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है ना और प्रोबेबिलिटी में हमसे क्या पूछा जा रहा है इफ़ द डाई इज रोल ट्वाइस देखिए जब इसको रोल करेंगे तो वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स हो रहा है यहाँ पर ठीक है अब टू टाइम्स हम कर रहे हैं फेसेज डाइवियर्स टू रोल आउट ट्वाइस तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स सिक्स नहीं है इसमें फ़ाइव तक है ना फाइव तक है सॉरी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव तक है अब इसको क्या बोला जा रहा है कि देखिए अब जीरो के इसमें कि कितनी बार क्या होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑन द अपर साइड इज जीरो कितनी टाइम ये जीरो हो सकता है तो देखिए अगर जीरो के साथ जीरो आएगा तो जीरो हो जाएगा ठीक है यहाँ वन के साथ जीरो तो जीरो हो जाएगा टू के साथ जीरो 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 ज़ीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी यहाँ ऑलरेडी है यहाँ जीरो वन ज़ीरो टू जीरो थ्री ज़ीरो फोर ज़ीरो फाइव तो कितना हो जा रहा है स्टूडेंट एक दो तीन चार पाँच आपको टोटल देखिए जीरो जीरो आएगा तब भी आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है वन के साथ जीरो आया तो जीरो हो गया और यहाँ पर भी क्या है टेन आया आपकी टोटल ज़ीरो पॉसिबिलिटी आ रही है तो टोटल आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है एलेवन टाइम आपकी वैल्यू जीरो हो सकती है तो कितना हो जाएगा एलेवन और इसको हम रोल्ड कितनी टाइम करेंगे इसको टोटल टू टाइम करेंगे तो हमारा थर्टी सिक्स होता है है ना थर्टी सिक्स होगा अरे भाई एक बार जीरो के इसके साथ आएगा फिर टू के फिर थ्री थी थ्री के साथ ऐसे क्रम चलते रहेगा तो थर्टी सिक्स जब दो डाइस को हम रोल करते हैं तो टोटल थर्टी सिक्स पॉसिबिलिटी बनती है इसकी तो एन एस हमारा थर्टी सिक्स एन एलेवन पी ए पी ए इक्वल टू हो जाएगा एन ए और अपान में हो जाएगा एन एस हो जाएगा ठीक है तो एलेवन अपान थर्टी सिक्स हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है इस तरह से कंप्लीट करना था अ मिसिंग हेलीकॉप्टर आगे हमको क्या दिया है अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन सोन द फिगर यहाँ पर देखिए क्या दिया है हमको एक फिगर दिया हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक सोन इन द फिगर अब हमको एक लेक बना हुआ है इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर हमको पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है कि कितने कितनी, कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो क्रैश्ड हो के लेक के बीच में गिरेगा अब देखिए ये ग्राउंड दिया हुआ है इतना बड़ा है और पॉसिबिलिटी यही हो सकती है इसकी ये देखिए अगर हम इस रेक्टेंगल को ध्यान से देखें स्टूडेंट तो यहाँ हमको टोटल इसका कितना लेंथ दिया हुआ है नाइन है तो ये भी नाइन होना चाहिए तो ये वाला भाग हमारा कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा और इधर भी थ्री हो जाएगा क्योंकि टोटल नाइन है नाइन में से सिक्स को माइनस करेंगे तो थ्री बचेगा और यहाँ देखेंगे तो टोटल फोर पॉइंट फाइव दिया है और इस साइड में हमको टू दिया है तो लेग का कितना आ जाएगा टू पॉइंट फाइव आ जाएगा ठीक अब इस एरिया से इस एरिया का जो रिलेशन होगा वही तो हमारा पॉसिबिलिटी दिखाएगा अब देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है यहाँ तो पहले आप एन एस एन एस सैम्पल स्पेस कितना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा और एन ए कितना होगा एरिया ऑफ लेक ठीक और पी ए कितना होगा पी ए यही पूछा जा रहा है ठीक है पी ए यही पूछा जा रहा है चलिए हम एन एस निकाल लेते हैं तो रेक्टेंगल ऑफ एरिया कितना होगा एरिया इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट? एल इन टू बी होता है तो हमारा एल कितना है नाइन और बी कितना है बी हमारा आ रहा है टोटल फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव आ रहा है ये हो गई किसकी एरिया ऑफ एरिया ऑफ किसका हो गया जो हमको ये पार्ट दिया हुआ है टोटल ठीक है इस पार्ट का हो गया रेक्टेंगल का अब इसका भी एरिया निकाल लीजिए तो थ्री इंटू टू पॉइंट फाइव होगा किसका लेक का लेक का आ गया ठीक है अब पॉसिबिलिटी निकाल लीजिए तो पी ए पी ए इक्वल टू क्या होगा एन ए एन ए को ऊपर रखिए थ्री पॉइंट टू फाइव और अपान में क्या हो जाएगा थ्री इंटू टू फाइव और अपान में हो जाएगा आपका नाइन इंटू फोर पॉइंट फाइव हो जाएगा थ्री जा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका टू पॉइंट फाइव और अपान थ्री से मल्टीप्लाई कीजिए थ्री से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका थ्री इसको ऐसे ही रहने दीजिए फोर पॉइंट फाइव रख दीजिए अब इक्वल टू में इसको डेसिमल को हटा दीजिए तो ट्वेंटी फाइव अपान फोर्टी फाइव और इंटू थ्री आ गया फाइव फाइव जा हो जाएगा फ़ाइव नाइन जा हो जाएगा तो फाइव अपान ट्वेंटी सेवेन पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है फाइव अपान ट्वेंटी सेवन आ जाएगा इसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ठीक है अब चलिए लास्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं धीरे धीरे हमारा चैप्टर कंप्लीट होने को आ गया बड़ी अच्छी बात है बड़ी खुशी मिलती है बस आप लोग ऐसे ही स्टडी करते रहिए हमको वीडियो बना के आपको देने में बहुत अच्छा लगता है थ्री हॉर्स ए बी सी आर इन अ रेस ए इज ट्वाइस इज लाइकली टू विन ए की पॉसिबिलिटी कितनी है हमारी बी से डबल है ए इज ट्वाइस इज एज लाइक to win B and B is twice like to C अब देखिए C एक ऐसा है कि C की पॉसिबिलिटी हमको कम दिख रही है ना C की पॉसिबिलिटी हमको कम दिख रही है अब देखिए अगर ध्यान से हम देखें तो क्या दिया हुआ है यहाँ C तो हम C की पॉसिबिलिटी मान लें कितना है कि C की पॉसिबिलिटी अगर वन है या X है ठीक है C की पॉसिबिलिटी कितनी है X है तो बी की कितनी हो जाएगी टू एक्स क्योंकि B C से डबल है और ये हो गया आपका B का और A का कितना हो जाएगा फोर एक्स क्यों क्योंकि B से डबल पॉसिबिलिटी A की है तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो रही है x प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स मतलब सेवन एक्स ठीक है अब पॉसिबिलिटी सब व्हाट इज द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल पूछा जा रहा है तो हम बात करें किसकी एक ए की पहले हम ए की बात करते हैं यहाँ पर यहाँ पर निकाल देता हूँ ए की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी एन ए अपान एन एस एस तो हमारा फिक्स रहेगा तो एन ए हमारा कितना आ रहा है किसके लिए ए के लिए फोर एक्स आ रहा है फोर एक्स अपान सेवन एक्स तो एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा फोर अपान 7. ए की पॉसिबिलिटी कितनी आ रही है प्रोबेबिलिटी फोर अपान सेवन बी के लिए बी के लिए भी हो जाएगा आपका टू एक्स अपान सेवन एक्स तो एक्स से एक्स कैंसिल टू अपान सेवन बी की पॉसिबिलिटी है सी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट एक्स अपान सेवन एक्स तो एक्स से एक्स एक कैंसिल वन अपान सेवन आ जाएगा तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फोर भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव पर चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन को आप स्पेशली ध्यान से देख लीजिएगा ये दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जाए तो आप एग्जाम में जाने से पहले इसको ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट हमारे वीडियो का लास्ट पार्ट है हम बहुत एक्सपीरियंस होल्डर तो नहीं है या बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं है लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है जो हमारा गट फीलिंग बोल रहा है कि आप अगर इस क्वेश्चन को देख कर जाएँगे तो इसमें से हो सकता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ दे क्यों क्योंकि है बहुत सिंपल क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है देखिए अ बैग कंटेंस एट रेड बॉल रेड बॉल कितना है एट है ठीक है रेड बॉल एंड क्या बोल रहा है आगे सम ब्लू बॉल ब्लू बॉल को मान लीजिए एक्स है है ना एक से है इफ़ वन बॉल इज़ ड्रॉन रेंडमली अगर हम एक बॉल को रेंडमली खींचते हैं तो हमारा पॉसिबिलिटी क्या आ रही द प्रोबेबिलिटी ड्राॅइंग रेड बॉल टू अ ब्लू बॉल आर इन द रेशियो यहाँ पर रेशियो दिया है किसका हमको इसका यहाँ पर जो दिया है देखिए ए हो गई इसकी टोटल पॉसिबिलिटी तो हम अगर किसकी बात करें रेड बॉल टू ब्लू बॉल रेड बॉल टू ब्लू बॉल तो रेड की पॉसिबिलिटी आएगी एट अपान एट प्लस एक्स और दूसरा क्या आएगा इसकी पॉसिबिलिटी आएगी अपान यहाँ पर आएगा एक्स अपान एट प्लस एक्स आएगा इक्वल टू फाइव अपान टू है ठीक है अब देखिए आपको यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है तो किसकी कितनी हो रही है अब देखिए यहाँ एट एक्स इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर आपके पास बचा एट अपान एक्स इक्वल टू फाइव अपान टू तो फाइव एक्स इंटू टू कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर टू अपान फाइव होना चाहिए था यहाँ कुछ चेंजेस दे दिया है एक सेकेंड मराठी वाले पेपर में अगर आप देखेंगे मराठी वाले पेपर में देखेंगे स्टूडेंट तो टू रेशियो फाइव दिया गया है और यहाँ पर कर दिया है फाइव रेशियो टू तो आप भी टू अपान टू रेशियो फाइव कीजिएगा इसको ठीक है टू रेशियो फाइव करेंगे तो टू अपान फाइव हो जाएगा ये ठीक है टू अपान फाइव हो जाएगा मराठी वाले में टू रेशियो फाइव का एवरेज दिया है यहाँ टू अपान फाइव हो जाएगा ठीक है तो अब आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर मैं क्लियर लिख दे टू एक्स इक्वल टू एट इंटू फाइव तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट एट इक्वल टू आ जाएगा आपका एट इंटू फाइव अपान टू टू फोर जा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको ट्वेंटी आ जाएगी x की वैल्यू ट्वेंटी आ जाएगी डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राॅइंग द ब्लू बॉल फ्रॉम द द्� बैग अब टोटल बॉल कितने हो जाएंगे अब टोटल की हम बात करें तो एट तो हमारा रेड है प्लस ब्लू हमको कितना मिला ट्वेंटी तो टोटल कितना हो गया ट्वेंटी एट बॉल हो गया ठीक है ट्वेंटी एट हो गया स्टूडेंट तो हमारा एन एस कितना मिला ट्वेंटी एट मिला आगे हमको क्या दिया है एन ए एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट एन ए अगर हम बात करें रेड की तो एट अपान ट्वेंटी एट होगा एट अपान ट्वेंटी एट तो चार दूना आठ चार सत्तर अट्ठाईस ठीक है रेड की पॉसिबिलिटी आएगी टू अपान सेवन और इसकी बात करें ब्लू की तो ट्वेंटी बॉल है और ट्वेंटी एट में ठीक तो फोर फाइव जा और फोर सेवन जा यहाँ पर आएगी फ़ाइव अपान सेवन पॉसिबिलिटी ब्लू की आएगी ठीक है तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर पूरा का पूरा मैथ वन का जितना भी कोर्स आपको दिया गया था यहाँ क्वेश्चन बैंक में स्टूडेंट हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है आप हमारे वीडियो के सेक्शन में जाइए आप हमारे चैनल पर जाइए प्लीज़ आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर जाएंगे और वहाँ पर आप देखेंगे तो हमने वीडियो बना के डाला हुआ है आप उसको अच्छे से जब ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट थोड़ा सा आप उस पर टाइम देंगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ इस पर सीखने को मिलेगा और अच्छी तरह सीखने को मिलेगा क्योंकि हमने पूरी तरह से आपको समझाने और बताने की कोशिश की है यहाँ पर तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ़ आप हमारे चैनल पर बने रहिए यहाँ पर जो भी आपको वीडियो चाहिए आपको टोटल वीडियो हमने डाल दिया है आप उसको देखिए आपको कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है टी डॉट मी मौर्या आप चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिए आप वहाँ पर डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट हम आपको इसका रिप्लाई दे सकते हैं तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय थैंक यू